तो ओके गाइस, सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स की कुछ सीक्रेट सेटिंग्स, हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहला फीचर दिया है डिस्प्ले में होम स्क्रीन लेआउट करके। सैमसंग के मोबाइल में हमें होम एंड ऐप स्क्रीन अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हम होम स्क्रीन लेआउट में जाके होम स्क्रीन ओनली अनेबल करके सब ऐप होम स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि ओप्पो एंड वीवो के मोबाइल की तरह जो ऐप हमें होम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उस तरह हम इसको अनेबल करके देख सकते हैं। ये एक कूल फीचर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट फीचर दिया है होम स्क्रीन में ऐप बटन। सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स में हमें ऐप बटन नहीं दिया, उसके अलावा हमें गेस्चर दिया है। तो यहाँ पर हमें होम स्क्रीन में ऐप बटन करके एक फीचर दिया है, उसको अनेबल करके हम ऐप बटन अनेबल कर सकते हैं। ये एक गुड फीचर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कूल एंड बेस्ट फीचर दिया है ड्यूल मैसेंजर करके। इसको अनेबल करके हम एक ही डिवाइस में दो मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं। यानी एक ही मोबाइल फ़ोन में हम दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक, दो स्काइपी अकाउंट, दो फेसबुक मैसेंजर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ये एक नंबर फीचर हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमें एक एडवांस फीचर मिलता है मल्टी विंडो, उसको अनेबल करके हम स्प्लिट स्क्रीन पॉपअप व्यू उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम एक ही मोबाइल स्क्रीन पर दो विंडो ओपन करके दो अलग अलग टास्क ओपन कर सकते हैं और इस विंडो को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक कड़क फीचर हमें यहाँ पर दिया है। और लास्ट में हमें एक और एडवांस फीचर दिया है यहाँ पर, वो है वन हैंडेड ऑपरेशन। यानी कि जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन एक हाथ से यूज़ करने की आदत है वो इस मोबाइल को वन हैंडेड मोड में अनेबल करके एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड अनेबल करने के लिए सिर्फ हमें मोबाइल के कोई भी कॉर्नर से सिर्फ एक गेस्चर बनाना है। इस गेस्चर बनाने के बाद वो वन हैंडेड मोड में अनेबल होगा और इसके अलावा होम बटन को प्रेस करके भी अनेबल कर सकते हैं। अनेबल होने के बाद हम अपने हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।